नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकबस लाइव इन एसोसिएशन विद आवर फैंटेसी पार्टनर्स माय 11 सर्कल। मेरा नाम है तने तिवारी। आईपीएल रीस्टार्ट हिट करने वाला है और उस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष नेहरा। आशीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्रिकबस लाइव में। और आज चर्चा करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। पिछले दो साल में मोमेंटम टर्न अराउंड हुआ और किस तरीके से, देखिए पॉइंट टेबल में तीसरे पर थे वो जब वो पोस्टपोनमेंट आया आईपीएल में, गेम्स जीत रहे थे। लेकिन आप कहेंगे ये ब्रेक उनके लिए अच्छे समय पर आया आशीष, क्योंकि पिछले कुछ गेम्स वो हारते रहे थे, पिछले तीन में से दो गेम्स हारे वो। बड़ी मोमेंटम पे खेलती है ये टीम, तो आप कहेंगे कि वो ब्रेक बड़े अच्छे समय पर आया इनके लिए? नहीं, देखिए वो तो कोई भी टीम नहीं कहेगी कि जिस तरीके से टूर्नामेंट रुका कि उस तरीके से ब्रेक लगे। और अगर आरसीबी की नजर से कि हाँ आप ऐसा देखना चाहते कि अरे हम पिछले तीन में से दो मैच हार के चलिए, टूर्नामेंट नहीं आ रहा, हम आगे जब ब्रेक के बाद आएंगे तो बेहतर करेंगे, तो वो कोई गारंटी नहीं होती। पर ये एक चीज आरसीबी के लिए जो अच्छी रही है इस साल कि जो उन्होंने चांस लिया था, क्योंकि देखिए ये एक ऐसी फ्रेंचाइजी रही है कि एक जगह रुकती नहीं है। बिल्कुल, जितने मर्जी बड़े नाम हो, ये इधर से उधर जाती रहती है, उदकती रहती है उन नामों के साथ, उन प्लेयर्स के साथ जिसके चलते दिक्कतें रही हैं। तो जब वो पासा ठीक पड़ जाता है, जैसे मैं ग्लेन मैक्सवेल का अगर आपको उदाहरण दूं, तो चीजें अच्छी लगती हैं क्योंकि एक्सपेक्टर है उनके पास। इनसे पहले भी पिछली ऑक्शन में ही अगर आप देखें, इन्होंने क्रिस मॉरिस को काफी भारी राशि देके लिया था, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच को लिया था, उनको एक ही साल में जाने दिया। ये अगर उनको बैक करते और फिर अच्छा होता तो ये हो सकता, देखिए हमने उन्हीं प्लेयर्स को बैक किया, अब हम आगे देख रहे हैं। पर ये फ्यूचर में ज्यादा विश्वास नहीं करते, ये आज की बात करते हैं, कल क्या होगा किसने देखा में है। तो आज में इनका पासा इस बार सही पड़ा है कि ग्लेन मैक्सवेल ने बढ़िया बल्लेबाजी करी है, दो मुकाबले जिता भी दिए। कहूंगा इतने साल से जब मैंने मैक्सवेल को देखा है कि बड़ी बड़ी पारियां उन्होंने पहले भी खेली है, जो दुबई में मेरे को याद आता 2014 में जो फर्स्ट लेग में बड़ा अच्छा खेले थे आईपीएल में, और बीच में बहुत बहुत विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए पाए गए हैं, दिखाए हैं उन्होंने कुछ अपने जो टैलेंट है, गुण और क्षमता, पर कंसिस्टेंसी उतनी नहीं दिखाई। पर इस बार मैं कहूंगा आरसीबी के लिए ऐसा नहीं हर मुकाबले में रन बनाए, हर मुकाबले में कोई बना भी नहीं सकता, पर जिस सूझबूझ के साथ वो चेन्नई की उस पिच पे खेले जी, क्योंकि देखिए आंकड़े आप एक तरफ रखते हैं, आप आंकड़ों पर हमेशा निगाह करते हैं, पर मैं देख रहा हूँ कि वो खेले किस तरीके से, वो काबिले तारीफ। तो उम्मीद करते हैं कि ये आगे चलते हुए इस टीम का और हिस्सा बनेंगे, अगर इस टीम ने आगे फ्यूचर की ओर देखना है। टीम आसान नहीं रहेगा क्योंकि बड़ी ऑप्शन आ रही है, पर अभी तक चीजें अच्छी रही है। काइल जेमिसन को लिया, उन्होंने ठीक ठाक किया है, और तीन चार जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने फायर किया, उसमें मैं सबसे पहले नाम लूंगा मोहम्मद सिराज का। जी, मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन गेंदबाजी करी है वहां पर, लेकिन कुछ बदलाव आ रहे हैं आरसीबी के कैंप में, अगर आप देख सकते हैं आशीष, हमने हाईलाइट करके रखे हैं वो नाम। कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑप्ट आउट करा है, जिनकी वजह से कुछ नए नाम वहां, और एक जो सबसे बड़े नाम दिख रहे हैं वो है वनिंदु हसरंगा। उनको हमने देखा श्रीलंका वाली सीरीज में भारत के विरुद्ध, बेहतरीन ऑलराउंडर है, और आप कहेंगे कि यूएई में जिस तरीके की पिचेस हैं, जिस तरीके की परिस्थितियां होती हैं, वहां काम आ सकते हैं आरसीबी को? बिल्कुल आ सकते हैं, और मैं कहूंगा यूएई में नहीं, कहीं पे भी आपके ये काम आ सकते हैं। और खास तौर पर देखिए, कहीं जब आप किसी भी नए खिलाड़ी की बात करते हैं, अगर उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, जैसे हसरंगा की आपने बात करी, ये ऑलराउंडर है जो गेंदबाज हु कैन बैट है, कि गेंदबाजी इनकी पहले हमने भारत के खिलाफ भी देखा, गुगली भी करते हैं, लेग स्पिन भी करते हैं, ऑफ स्पिन भी बीच बीच में डालते हैं, तो उनको अगर आते ही दो मुकाबले मिल जाए बेंगलोर में या बॉम्बे के ग्राउंड पे तो दिक्कतें हो सकती हैं। पर यहाँ पर अच्छी चीज आरसीबी के लिए क्या है, अगर ये उनको देखेंगे 11 में खिलाने के लिए, वॉशिंगटन सुंदर भी नहीं है, एडम जेम्पा भी नहीं है, तो इनके मौके बेहतर बनेंगे खेलने के चहल के साथ। तो इनको अगर आप खिलाएंगे एक आबू धाबी में, या अगर आप इनको खिलाएंगे दुबई में, तो आपके लिए ये कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका के लिए अगर आप पिछले 1.5-2 साल में देखें तो ये जो प्रमुख कुछ खिलाड़ी है ना, क्योंकि थोड़े ही बचे हैं श्रीलंका के पास किसी भी फॉर्मेट में, मैं कहूंगा खासतौर पर T20 की अगर आप बात करें, उनमें से एक ही है, तो एक ही अच्छी बाय आरसीबी के लिए, और आप निगाहें रखेंगे इनके ऊपर भी कि किस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि बड़े ग्राउंड्स हैं, थोड़ी भी पिच में मदद मिली, और जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा तो अब आप देखेंगे, क्योंकि देखिए क्रिकेट शायद उतनी ना हुई हो यूए में, पर इतनी गर्मी वहां पर रहती है, जब आप बात करते हैं तापमान की 45-50 डिग्री जून जुलाई अगस्त में, तो अब आप सितंबर की ओर चलें तो भी गर्मी काफी होगी, पर फिर भी जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा अगर टर्न मिलेगा तो ये खिलाड़ी काफी कारगर साबित हो सकता है आरसीबी के लिए। बल्लेबाजी के तौर पर एक दावेदार ये भी बन सकते हैं नंबर तीन के लिए, क्योंकि हमने देखा कि वो एक ऐसा स्लॉट था उस बैटिंग ऑर्डर में जहां पर आरसीबी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे किसी एक खिलाड़ी को परमानेंटली वहां पर देने के लिए, क्योंकि आपको बता दें कि विराट कोहली ओपन करना शुरू कर चुके थे आरसीबी के लिए। लेकिन जाते जाते आशीष, अगर आपको एक कोई पीस ऑफ एडवाइस देनी हो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को इस दूसरे हाफ में जाते हुए आईपीएल 2021 के, तो वो क्या हो? देखिए मेरा तो सबसे पहला सजेशन है, एडवाइस नहीं है, सजेशन है, वो आरसीबी को यही रहेगा कि आप कोशिश करें कि कम से कम बदलाव करें, कि जो आपके खिलाड़ी हैं आप उनको बैक करें, और जो आपके प्रमुख खिलाड़ी हैं उनको ऊपर जरूर इस्तेमाल करें, जैसे अभी आपने नंबर तीन की बात करी,
कि शाहबाज अहमद गए हैं, रजत पाटीदार गए हैं, वहां पर नंबर 3 वॉशिंगटन सुंदर गए हैं, पर अगर आपके पास एबी डिविलियर्स जैसा खिलाड़ी हो, हमने ये आरसीबी का पहले भी देखा है कि एबी डिविलियर्स गए हैं नंबर 5-6, उनसे पहले कौन जा रहा है, शिवम दुबे गए, वॉशिंगटन सुंदर गए, एक आप भेज सकते हैं, चलिए कभी चांस लेने गए, पर दो दो लेफ्ट हैंडर आपने भेज दिया एबी डिविलियर्स से पहले, तो वो उस तरीके के जो निर्णय है ना, वो उन्हें सोच समझ के लेने होंगे कि जो आपके प्रमुख खिलाड़ी हैं उनसे जो महत्वपूर्ण काम है वो आप कराएं, और जो इस तरीके के खिलाड़ी हैं वो आपका सपोर्ट सिस्टम है साथ साथ। बिल्कुल सही बात, क्योंकि देखिए अगर आप, मैंने जितने भी नाम लिए ना, खासतौर पर वॉशिंगटन सुंदर तो मेनली तो स्पिनर है और बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, पर जैसे शाहबाज अहमद है, रजत पाटीदार है, नए खिलाड़ियों के लिए आसान नहीं है इस प्रकार आकर आईपीएल में, ऐसा नहीं कि वो इंडिया खेल रहे हैं या भारत की टीम के आसपास हैं, जो दो नाम है ये सूर्य कुमार यादव या ईशान किशन नहीं है रेगुलर अपनी टीम्स के लिए, ऐसा नहीं कि हर समय रणजी ट्रॉफी में बड़े खेल के बड़े रन बनाते हैं, तो वहां जरूर विचार विमर्श करना चाहिए आरसीबी को कि अपने जो प्रमुख खिलाड़ी हैं उनका ज्यादा से ज्यादा आप इस्तेमाल करें, और जब मौका लगे मोहम्मद सिराज से नई बॉल कराने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि वो आपको ऊपर से विकेट लेके दे सकते हैं। क्या बात है, चलिए भाई एडवाइस भी मिल गई और फैंस भी यही चाहेंगे कि भाई माना कि बड़े अनमोल हीरे हैं एबी डिविलियर्स, लेकिन उनको और दिखाइए, आगे आकर दिखाइए, और एक मिनट एडवाइस नहीं सजेशन, जैसा आशीष ने कहा। बहुत 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 शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए इस प्रीव्यू में, इस पेशकश में। इतना ही, आप देख रहे थे क्रिकबज़ लाइव इन एसोसिएशन विद आवर फैंटेसी पार्टनर्स माय 11 सर्कल।